अगर आपने आज की रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बना लिया तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आया हूँ, जो कि है दोस्तों अंडा कढ़ाई मसाला। ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है दोस्तों, बनाने में उतना ही आसान है। और इसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए वीडियो को स्किप बिना करें पूरा देखिए। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 5 अंडे को बॉईल किया है। बॉईल करते समय नमक और विनेगर डाल के 10 से 12 मिनट उबालेंगे तो बहुत अच्छे से उबल जाते हैं। इसको अच्छे से छील के देखिए, इस तरह से कट लगा लेंगे सभी अंडे में। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 कट लगाए, उससे ग्रेवी अंदर तक जाएगी। साथ में हमने 2 प्याज को स्लाइस में चॉप किया है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने 1 प्याज को क्यूब में और 1 शिमला मिर्च को सेम साइज में बड़े बड़े पीस में कट किया है। अब दोस्तों, एक फ्राई पैन को ले लेंगे। फ्राई पैन लेने के बाद दोस्तों, इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल में ये रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आप चाहे तो रिफाइंड या घी किसी में भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको अंडा डाल के हमने हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अंडा फ्राई करते समय हल्का सा इसमें नमक डाल दें, अगर तेल में कच्चा टेस्ट होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 3 मिनट के बाद अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक छन्नी की मदद से इसको सेपरेट कर देंगे और कढ़ाई में लेंगे दोस्तों तेल। हमने उसी कढ़ाई को इस्तेमाल में लिया है। तेल ऑलरेडी गर्म है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा लगे तो तेल को कम कर लें। तेल ऑलरेडी गर्म है तो कुछ खड़े मसाले डालेंगे, धनिया, साबुत धनिया, काली मिर्च, तेज़पत्ता। इसके साथ डालेंगे 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसके साथ ही दोस्तों, 1/2 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ी देर में क्रैक होने के बाद दोस्तों, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको ज़रूर डालें, ये ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। इसको हमने 25 से 30 सेकेंड तक ही फ्राई करना है, क्योंकि देखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तक फ्राई ना करें, अदरक जलने के बाद बहुत गंदा टेस्ट आता है, आपकी सब्ज़ी खराब हो जाएगी। तो अच्छे से फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को दोस्तों, हमने लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बाहर से पक जाएगा और अच्छे से प्याज गलेगा नहीं। आपने इसी तरह से लगभग 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लेना है। तो देखिए दोस्तों, 2 मिनट के बाद प्याज में अच्छा कलर आने लगा है, गोल्डन, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आप इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट को ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ग्रेवी एक तो थीक होती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको भी लगभग हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में चलाते हुए फ्राई करेंगे। 1 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब दोस्तों, इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च को काट के डालेंगे। इसको हमने मोटा मोटा काटा है, आप चाहे तो बारीक भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही डाल देंगे टमाटर। हमने 2 टमाटर को क्यूब में काटा है, 2 टमाटर के हमने 8 पीस किए हैं। इसके साथ ही ऊपर से डाल देंगे नमक। नमक दोस्तों टमाटर को गलने में मदद करता है, इसलिए टमाटर डालें तो नमक ज़रूर डालें। साथ में हरा धनिया डालेंगे, हरे धनिया के साथ अगर डंठल है तो उसको भी डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपने ग्रेवी बनाते समय ध्यान दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको ढक के पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक। देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहे तो दोस्तों, इस टाइम पे टोमेटो के जो सेल्स हैं उसको आप निकाल के फेंक सकते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, लाल मिर्च हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही 1/2 चम्मच या चुटकी भर जीरा पाउडर।
जीरा पाउडर ज़रूर डालें, हमने भुने जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसको मिक्स करते समय आपने गैस का फ्लेम थोड़ा कम रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो सूखे मसाले बहुत जल्दी जलने लगते हैं। अब हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के लगभग 2 मिनट तक हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, उतने में मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तो देखिए दोस्तों, उबाल आने लगा है। हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ढक के पकाते समय गैस का फ्लेम कम रखें, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं, ग्रेवी से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब दोस्तों इस टाइम पे हम डालने वाले हैं लगभग आधा कप स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन का दोस्तों इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे कैप्सिकम और अनियन को। इस चीज़ को लास्ट में डालना है दोस्तों, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज बहुत जल्दी गल जाते हैं, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमें इस रेसिपी में एक शिमला मिर्च और प्याज का थोड़ा क्रंची और क्रिस्पी होना चाहिए, बिल्कुल पका हुआ बहुत बेकार टेस्ट आता है, इसलिए ज़्यादा ना पकाएं। इसको अच्छे से चला करके थोड़ा सा हरा धनिया डालें और इसको अंडा ऐड कर दें। अंडे हमने 5 लिए हैं दोस्तों, 2 लोगों के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें, और उसी हिसाब से ग्रेवी को भी कम ज़्यादा स्टार्टिंग से ही करें। अब अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक देंगे। ढक के लगभग हम इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए, आफ्टर 2 मिनट गजब की रेसिपी बनके तैयार हुई है। सभी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और मसालों से तेल भी अलग हो चुका है। इस टाइम पे दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला की जगह आप अंडा करी मसाला डाल सकते हैं, और कोई सा भी अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना हो तो काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, उससे भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अगर पाउडर ना हो तो आप उसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। अब दोस्तों ग्रेवी के लिए हम इसमें लगभग आधा कप पानी डालेंगे। इस रेसिपी में ज़्यादातर ग्रेवी बहुत कम होती है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो इस रेसिपी में थोड़ा गाढ़ा ही बनता है ग्रेवी, पतला नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक उबाल आने तक पकाएंगे, क्योंकि पानी डालने के बाद उबालना ज़रूरी है। और जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ, पानी गर्म ही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा धनिया डाल के गैस का फ्लेम ऑफ करके ढक दें। 2 मिनट के बाद सर्व करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार है। बाय दोस्तों।